तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सब कुछ वैसे ही है, पीछे जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, चेन रूल है, जनरल रूल्स हैं, कोसेंट रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल्स है, सब उसी का यूज करना है। हमने क्या सपोज कर लिया, y इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू x के जैसा है बट डायरेक्टली x नहीं है, e रेज टू x के जैसा तो है बट डायरेक्टली x नहीं है, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन है। चेन रूल का यूज करेंगे तो e रेज टू x का क्या हो जाएगा, e रेज टू x एज इट इज लिख देंगे, देन अगर x डायरेक्टली नहीं आया तो इसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे जैसा हम चेन रूल में करते थे, d ऑफ dx साइन इनवर्स x, और ये भी फार्मूला हमको पता है d ऑफ dx साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू e रेज टू साइन इनवर्स x इंटू, इसका फार्मूला यूज कर लेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।